दिल आवारा हो गया था इनका। बताओ ट्राई बहुत है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दूसरा दिन शुरू हो गया, तो हमने यही आइटनरी पहले बनाई थी कि शिमला स्टे करेंगे और उसके बाद आगे फिर वो करेंगे। बट चलने से पहले हमने सोचा था कि नहीं चिटकुल पहुंचेंगे, बट वही है जो लिखा है सो वही होना है। अभी हम शिमला भी नहीं पहुंचे, इनफैक्ट शिमला से भी 15 किलोमीटर पीछे हैं। 8 बजे अभी तो, और अभी 9 बजे जाना है एजेंसी। देखते हैं जाके बाइक की क्या कंडीशन है, कितना टाइम लगेगा। अगर तो बाइक को टाइम लग रहा है 12 साढ़े 12, फिर देखते हैं। या तो चंडीगढ़ से फ्रेंड को बोलते हैं बाइक छोड़ जाएगा, या फिर रेंट पे बाइक लेंगे यहाँ से, बिकॉज इस तरह से तो सफ़र नहीं होगा पूरा। निकलते हैं तब तक के लिए, अभी कुछ खाते पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का अपडेट आपको क्या हुआ है। पाजी के खराटों ने जो कंपटीशन किया है ना अभिषेक पाजी का, नहीं खराटे कैसे आ रहे थे मैं बता, आ रहे थे ऐसे आ रहे जस्टी पाजी अभिषेक पाजी तो ऐसे खराटे चल रहे थे। मैं पाजी, मेरे कोई देखे नहीं, मेरे कोई जान देने सबूत ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आज रात इस बंदे की मैं वीडियो बनाऊंगा और आप सबको दिखाऊंगा। मेरे ब्रेकफास्ट आ चुके हैं और ये देखो बूस्ट पंप अभी मारे हैं इन्होंने पुशअप। तो खा पी के एनर्जी आ गई थी इन लोगों में दिल आवारा हो गया था इनका। बढ़िया दसी पाजी ने बढ़िया डांस करा है, डांस अच्छा करते हैं तुम, फुल जोश में आ रहे हैं अभी हम बाइक देखने। तो फ्रेंड्स जा रहे हैं हम आरी के शोरूम पर अपनी जीटी लेने। चलो मैं तोड़ता हूँ, थोड़ा कार्डियो करो भाई, कार्डियो ट्राई बहुत है भाई। खुद वीडियो बना ली थी तो वीडियो बना चल रही है भाजी। तो फाइनली आ रही के शोरूम पे आ गए और फर्स्ट नंबर ही बोल रहे हैं करवा देंगे, बट पता लगे एटलीस्ट इशू क्या है, ताकि हम फिर नहीं तो दूसरी बाइक अरेंज करें अगर हो रही है। अभी धक्का लगा रहे हैं इसको तो हम यहाँ पे आ रही के शोरूम में अभी वेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बाइक का फॉल्ट का पता नहीं लगा क्या है। मेरी छोटी सी एडवाइस है, जहाँ हम सर्विस करवाने आए हैं इसे बंद कर दें और यहाँ होटल खोल दें, क्योंकि इतना अच्छा व्यू हमारे होटल से भी नहीं है सही में इतना अच्छा व्यू यहाँ से नहीं। ये सही बात बोली है बाजी ने यहाँ पे, यार बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। और जो रूम आपने देखा ही है कि हमने अभी लिया था मजबूरी में, वहाँ पे बहुत ही मनमोहक व्यू था। इसमें अभी आ रहा है बार बार इंजन स्टॉप, इंजन स्टॉप, तो स्कैन भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इशू हो गया बेचारी को। ये चीज़ भाई मुझे सही में यहाँ पे अच्छी लगी है, अपने हाथ छिपा के बना रहा हूँ ना, यहाँ पे बढ़िया लगी। हम यहाँ पे शिमला के पास रुके हैं, बट चंडीगढ़ वालों ने सालों ने स्कैनर नहीं किया पूरी बाइक को, 3 दिन बाइक हम लगाते रहे हैं। मेरी शक्ल होता है और शक्ल नहीं दिखा रहा बाइक की, कट कर दूंगा बाइक की, पता नहीं क्या लगा दिया जुग जुग जुग। और ये स्कैनर ऐसे चल रहा है और होना ऐसे चाहिए था एक्चुअल में, पता लग जाता कि फॉल्ट गया बाइक। भाई ने पता नहीं क्या जुग 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 पे, इस बंदे के चेहरे पे दिख रही है कोई टेंशन कि हमने स्पीति जाना है ना, कोई टेंशन नहीं इस बंदे को, लगा हुआ हंसने आराम से, इस बंदे को 1% टेंशन नहीं। मेन अभी जो फॉल्ट पता लगा कि इसका जो अल्टरनेटर था जो चार्ज नहीं कर रहा था, तो अभी के लिए तो भाई ने वही बताया कि वो चार्ज कर देगा और उसके बाद चल जाएगा काम, लग गया नहीं पंजीकरण, और होपफुली ये सही रहे। भाई बोल रहा है कि चलेगी, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक चीज़ लगी कि इनका शोरूम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ना देख सकते हो आप, मतलब ये हो गया, फिर फ्रंट में जो फ्रंट वाला सेल्स वाला पोर्शन है वो भी बहुत बड़ा है, इतना स्पेस मतलब सही में बहुत बड़ा है। और सामने जो है वो है पहाड़, जो व्यू है वो सेक्सी है। फाइनली हुई है ठीक और निकलने लगे हैं यहाँ से सामान पे, जल्दी जल्दी चेकआउट करके निकला जाए यार, 2 बज गए आज का दिन भी सारा, क्या 2 दिन से निकले हुए हैं, अभी तक हमने नारकंडा भी क्रॉस नहीं किया।
तो फाइनली दोबारा सफ़र शुरू करने लगे हैं। होपफुली भगवान जी सब रहेगी सही रखे। गो चलो शिमला टनल क्रॉस कर रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट स्टॉप नारकंडा है, रुकना है, कुछ लंच करना है यार, पेट पूजा की थे सही में, भूख बहुत लग रही है। अरे यार बाइक कूलेंट गिराने लगती है, तो नुकसान तो नहीं हुई? नहीं ऐसे कोई तो लगता नहीं, सफ़र अभी जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। बाइक भी चेक करवाई है और अपने जीटी वाले पाजी अलग निकल गए हैं दूसरे रूट से, और अब हम जा रहे हैं बाइक एक बार भाई को दिखा तो लिया, वो करे कि ओवर हो रखा है जो उसका कूलेंट है उसकी वजह से इशू हो सकता है। पिछले दो दिन से वेदर फोरकास्ट तो बारिश का दिखा रहा था, बट नीला आसमान, खिली खिली धूप और ठंडी ठंडी हवा, बहुत प्यारा मज़ा आ रहा है राइड करने में। सही जीटी क्या ठीक हुई भाई ने, तो भाई पीछे मुड़ के नहीं देखा यार, भगाता जा रहे हैं बंदा, और नारकंडा पहुँच गए हम, इनका वेट कर रहे हैं शिमला में। तो नारकंडा पहुंचे हम फाइनली, और सिर्फ इस प्राणी की वजह से हम हो रहे हैं परेशान थोड़ा थोड़ा, और ये प्राणी को 1% भी वो नहीं है ना, ये निकल गया निकल गया बाजी हमारे 50 किलोमीटर आगे, और आके पहुंच के नारकंडा में इनका वेट कर रहे हैं सड़क पे खड़े हुए कि पीछे रह गए पीछे रह गए, और पता लग रहा जी आगे निकल गए, फिर हमको वापस लेने गए। तो अभी 2.5-3 घंटे लगातार चलाया, थोड़ी थकान हो गई, अभी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और सामने का जो व्यू है वो बहुत प्यारा है। तो पेट पूजा हो रही है अभी, मटर पनीर, और क्या ऑर्डर किया? चिकन। पापी लोगों ने अपना चिकन, भूख लगी है। अब नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा कौन सा? रामपुर। रामपुर, हाँ रामपुर, रामपुर बिशर। पापी जी देख रहे हो, देख रहे हो, शुगर डायबिटीज पेशेंट कह रहे नहीं, मैंने तो खा चाय बिल्कुल फिक्की पीती है, गुलाब जामुन वो भी एक नहीं तीन तीन दो तीन ओ आप ही भाई ने ज्यादा ही खा लिया, अब लग रहा है कैलोरी बर्न कर रहे हैं यार कम खा लेते निकलते हैं जल्दी जल्दी, चलो भाजी भाजी बिजनेसमैन हमारे बंदे तंग करते हैं यार। हाँ 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 रास्ता सच में बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा छोटी सड़क है, क्रॉसिंग तो बिल्कुल नहीं है, बाइक भी आप देख सकते हो पूरी पूरी बाइक जा रही है इस पे, और मेन चीज़ बिल्कुल नीचे सीधा स्ट्रेट डाउन में जाते हुए तो ब्रेक लगानी तो बहुत बड़ी गलती होगी, और बहुत स्पीड में भाग रही है बाइक, तो फर्स्ट सेकंड गियर में ही चल रही है सिर्फ, और ब्रेक नहीं लगा सकते यहाँ पे वरना ब्रेक लेते गर्म हो जाएंगे। और हिल्स में यही है कि हिल्स में जब भी आप डाउन में जाते हो तो ब्रेक बिल्कुल यूज़ मत करो, गियर के ऊपर गाड़ी को लेकर जाना। वो भाई कहाँ ट्रक घुसाया वो इसने, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया इसने। बट एक बात तो सही है कि इस शॉर्टकट की वजह से हमारे 35 मिनट सेव हो गए अप्रॉक्सीमेटली, तो अच्छा है। तो रिस्की था रास्ता, छोटा सा क्यूट सा रास्ता है, साइड में छोटे छोटे घर हैं, बट अच्छा था। रामपुर के लिए है 5 किलोमीटर, चलो फिर रामपुर के लिए। रामपुर कितना किलोमीटर है क्या? 4 किलोमीटर। चलो रामपुर चल के रुक गए। हाँ वही था ना, किन्नौर में या तो टापी या भावनगर रुक सकते हो, 2 घंटे की ड्राइव, 1.5 से 2 घंटे। नहीं अभी हम 9-10 बजे तक ड्राइव कर सकते, 10 बजे तक कर सकते हैं, मतलब सीधे पू तक तो नहीं पहुंचोगे, पू भी पहुंच सकते हो, स्पीलो तक, स्पीलो भी पहुंच सकते हो, पू या स्पीलो तक जा सकते हो, पू चले जाओ फिर कलम काजा पहुंच जाए आराम से, आराम से आपको 1-1.5 घंटा लगेगा ऊपर नाको तक के लिए। ठीक है, तो हम रामपुर विषय पहुंचे हैं अभी यहाँ पे, तो एक स्टॉप है नीचे बड़ा व्यू है, नदी है, और उन्होंने यहाँ पे इन्होंने एडवाइस किया कि आज हम रुकते हैं तापरी, है ना? नहीं तापरी पू 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 है, तो उसके बाद कल फिर हम कवर करते हैं, चिटकुल हम कैंसिल करते हैं, चिटकुल सही सही कैंसिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इतना कुछ खास है नहीं चिटकुल में, तो जो जैसा चिटकुल में देखोगे तो वहाँ पर आप अपना देख लोगे। बुशर पहुँच गए और ये उत्सव कैफ़े है, तो फ्रेंड्स अभी तक का सच बताऊँ तो सबसे बढ़िया खाना खाया मैंने और सबसे बढ़िया चाय पी है, और पाजी ने भी यही कहा कि बहुत बढ़िया चाय थी सही में। स्पीति जाते हुए मस्ट विजिट है, जब भी जाओगे तो यहाँ पे ज़रूर रुकना, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी जो इनके ओनर हैं बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत चिल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि भाई यहाँ से लेके काजा तक कोई भी दिक्कत आए बिंदास कॉल करना, नंबर शेयर किया, और बहुत सही पर्सन लगे मुझे यार। ये रामपुर से जाकरी जाते हुए ना, मतलब 1-1.5 किलोमीटर आगे आके
पाँच छः किलोमीटर का एक पैच है ये, तो ऑफ रोडिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, रास्ता बहुत ख़राब है और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी आती है रास्ते में। किन्नौर एंट्री पॉइंट पर चेक पोस्ट है जहाँ पे हमें अपने गाड़ी का नंबर, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, अपना नंबर, कितने लोग हो, सबका बताना पड़ता है। भाजी नाम पता लिखवा रहे हैं। इन रोड पे यही दिक्कत है कि सिंगल रोड है और अगर आगे से बस वगैरह कुछ आ गया तो निकलना बहुत मुश्किल, साइड ही नहीं मिलती है। और जो ये रूट है ना, ये बहुत प्यारा रूट था आगे पीछे, मतलब अभी बहुत स्मूथ रोड आई थी, भगाने का बहुत मज़ा आ रहा था और वो सब पहाड़ हमने मिस कर दिए। दुनिया की सबसे ख़तरनाक रोड्स थी ये। पहुँचे तापरी, मस्त ही किया जाए यहाँ पे, बस थक गए हैं, आगे हिम्मत नहीं अभी जाने की, लेट बहुत हो गए। रूम तो बढ़िया है, 1500 रुपये का कॉस्ट कर रहा है हमें। एक दूसरा रूम है वो 800 रुपये का था, तो वो एवरेज सा ठीक ठाक सा रूम है, तो सोचा एक नाइट अच्छे में स्टे की जाए। अपना गद्दा लगने वाला नीचे और उससे पहले खाना खाया जाए, पेट पूजा की जाए। अपना तो खाना आ गया, तो दिन आज का बहुत बढ़िया रहा। लेट चले थे 2:30 बजे, बाइक मिली और उसके बाद निकले थोड़ा थोड़ा रास्ते में, और रामपुर में बहुत अच्छे हमें कैफ़े के जो ओनर थे वो मिले, तो ओवरऑल अच्छा दिन रहा, बहुत बढ़िया। कल होप है कि जल्दी उड़ जाएं ये लोग, तो जल्दी निकलें और पहुँचें काजा, बट लगता नहीं है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।